एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि जो हमने पद विज्ञापित कर दिए थे, जिनके हमने आवेदन मांग लिए थे और जिनकी परीक्षाओं का शेड्यूल हमने डाल भी दिया था लगभग, जैसे ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, कुछ इलेक्शन के कानून को, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव, इन तरह की हमने परीक्षाओं का शेड्यूल एक तरह से बना लिया था। तो सरकार ने अभी फैसला लिया है कि ये सारी परीक्षाएं अभी रद्द कर दी गई हैं और इन पदों को हमने विभागों को वापस कर दिया है। अब जो सारी परीक्षाएं होंगी, जिन भी पदों के लिए होंगी, वो सीईटी के बाद होंगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो युवा क्वालिफाई करेंगे, वो ही अगली परीक्षा में बैठेंगे और नए सिरे से, जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है, सोशल इकोनॉमिक के नंबर 10 से 5 किए हैं, और जो वैविवाहित हमारी बहनें या बेटियां हैं, उनका पेरेंटल मतलब पैतृक वो ना देख के ससुराल पक्ष देखा जाएगा। इस सारे नए क्राइटेरिया के अनुसार ही अब अगली भर्तियां होंगी और वो सीईटी के बाद होंगी। जो लोग सीईटी में क्वालिफाई